वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट लाइफस्टाइल। और आज हम बनाने वाले हैं और एक साउथ इंडियन चटनी पीनट चटनी। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप रॉ पीनट, 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून चना दाल, फ्यू ऑनियन पेटल, फ्यू गार्लिक, ग्रीन चिली, मस्टर्ड एंड टेमाराइन। सबसे पहले हम लोग पीनट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसको ठंडा करने के लिए एक मिक्सिंग जार में रख देंगे। फिर एक पैन में हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसमें हम लोग डाल देंगे जो ऑनियन पेटल है, उस ऑनियन पेटल को, या ज़्यादा ऑनियन पेटल नहीं लगेगा, एक या दो, उसमें डाल देंगे हम 3-4 लहसुन की कलियाँ और ग्रीन चिली। इसको हम अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। इन सारे चीज़ों को सौते हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे हमारे उड़द दाल और चना दाल को। इसको भी हम एक साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कि इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हम लोग इंडक्शन को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा करके पीनट के साथ एक ही मिक्सिंग जार में हम लोग डाल देंगे। मिक्सिंग जार में देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। अब हम डाल देंगे हमारी टेमाराइन को और डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो चलिए इसका एक पेस्ट बना के लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया है। अभी हम इस पेस्ट को एक बोल में निकाल लेंगे। साउथ इंडियन हर चटनी की जो मेन चीज़ है वो है उसका तड़का। तो चलिए उस तड़का के लिए बना लेते हैं। उसके लिए एक तड़का पान हम लोग गरम कर बैठा देंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम लोग डाल देंगे उसमें रेड चिली, साउथ इंडियन मिक्स मस्टर्ड और करी लीव। ये थोड़ा टेम्पटिंग हो जाए, जब इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगा हम गैस बंद कर देंगे और इस चीज़ को हम लोग चटनी के ऊपर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो चटनी है रेडी हो चुका है। ये चटनी सांभर इडली और वैरायटी राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।